नमस्ते किमचो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं। आओ बताओ। मुझे कुछ नहीं पता होता कि किसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। आई एम यू नो सो मच इनोसेंट, नो नॉट इनोसेंट, बहुत ही बिजी किस्म की मैं बंदी हूँ। मुझे कुछ exactly. नहीं पता क्या चल रहा है, बट खैर आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं गोलमाल 3 का एक सीन है, सो उस पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। एंड आई थिंक इट वुड बी द बेस्टेस्ट वीडियो एंड द फनीएस्ट वीडियो, बट लेट्स सी कौन सा वाला है। ड्रॉप इट। हेलो टांडे, नावारिस कुत्ते। कौन बोल रहे? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ। वरना 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 क्या काट डालूंगा। वाह वाह, पता भी है किससे बात कर रहा है तू? हाँ पता है पता है, सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। सैकड़ों बाप की औलाद गांधारी गाड़ी पर बैठ, चल जल्दी। साले लुच्चे टुच्चे बाजारू मोहल्ले के गुच्छे। बाजारू दिखता हूँ क्या मैं तेरे को? तुम मरेगा मेरे हाथ से, तुम भाई रोक। अबे साले एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी, कोढ़ की बीमारी है। अबे इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी किधर से निकलूं। पुलिस आ गई पुलिस। गोपाल लगता है कोई लंबा अंदर जाने वाला है। किधर था मैं? हाँ अबे मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा, बीच के बीचों बीच गाड़ दूंगा। हाँ अबे तू आता है कि मैं आऊं? अरे हो ही जाए फाइनल। हाँ बोल। आ गया मैं। नमस्ते साहब। अबे आ गया मैं इंस्पेक्टर तांडे। मेरे से पैसा मांगता है तू? ए शाणे हमारे साहब जो सबसे लेते हैं। हाँ। तू उनसे मांग रहे है? गांधारी शट अप यार। अरे क्या शट अप, आप लावरिस कुत्ते, आप सब आपकी एक औलाद हो। अरे रिपीट टेलीकास्ट ना को इकड़े सगला समोर क्या लगे उठा। सॉरी साहब, सॉरी साहब। हाँ। इन तीनों ने कहा था साहब? किन तीनों ने? किन तीनों ने? इधर है मामा बना था क्यों उठा के ला। एक गोले वाले इसको पहचान था क्या? उंगली दिखा पहचान जाएगा। दिखा ना दिखा ऐसे। ए गोपाल बता कब देगा? अभी लो। अरे बोला नहीं मेरा पैसा। वसूली भाई आपका पैसा तो भूल जाओ। क्यों? आपका जेटस्की का धंधा तो बर्बाद हो गया, इसलिए तो आपको छुड़ाया ताकि नया धंधा शुरू कर सके। तो क्या मैं तुम लोगों को शक्ल से इतना बड़ा चूप गोला दिखाई देता हूँ? वसूली भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इधर आइए। इससे कड़वा सच ये है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है वसूली भाई। हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका कोई नेम नहीं, एस्टैब्लिश बिजनेस का फेम नहीं। इज्जत होगी तो नाम होगा। हाँ। सटैक घर की पटैक लड़की मिलेगी। हाँ। अच्छा, लेकिन वो जेट्सकी के धंधे का तो दिवाला निकल गया ना। दिवाला से याद आया कि दिवाली आ रही है। हाँ। आप पटाखे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वसूली फायरवर्क्स, वसूली चक्री, वसूली सुरसुरी, वसूली लोंगी, वसूली मिसाइल, अरे झुकी क्यों, वसूली रॉकेट भी तो निकलेगा। इस दिवाली तेरा ही जलवा होगा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, बेचारे को पटा ही लिया कि वो दे दे और दोबारा बिजनेस के लिए पैसे दे दे और वो उनका अपना चल पड़े। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ गोलमाल। बहुत ही फनी था और बहुत ही फनी था वो, जब वो उसको पता ही नहीं होता कि पुलिस आ रही है और वो पुलिस बच के नहीं बात कर रहा होता। पूरी ये जो गोलमाल की सीरीज है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, तीनों के तीनों जो है वो बड़े जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? आई कांट चूज वन। हाँ
और रोहित शेट्टी की जो है वो मूवीज में यही होता है कि गाड़ियां और ये सब ये वो ही है ना जिसमें वो होता है भूला जो भूल जाता है तो वही है वाला आई थिंक ये वही है बिल्कुल ये वही है इसमें जिसमें भूल जाता है वही तो ये काफी एक फनीस्ट सीन था और जिस तरह से अगर हम बात करें एक्टिंग की तो जितने भी कैरेक्टर्स थे इसमें जितने भी एक्टर्स थे सबकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा जो है वो जबरदस्त थी चाहे वो करीना कपूर हो अजय देवगन हो सभी की जो एक्टिंग है वो बहुत जबरदस्त थी। और अगेन किसी जब आप किसी फनी कैरेक्टर को कर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है एक फन में जाकर लोगों को हंसाना मुश्किल काम है मुझे लगता है कि बहुत ही क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा लेवल का एक तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए दूसरा ये कि लोग हंस तो मैं कह रही थी कि जब आप किसी फनी चीज को कर रहे होते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है करना बिकॉज किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है और जो ये काम कर रहा है वो मैं कहती हूँ कि वो बहुत मुश्किल तरीन काम कर रहा है और वो बड़ा आर्टिस्ट है। नॉर्मल कैरेक्टर भी बड़ा मुश्किल होता है बट अगर कोई फनीएस्ट और कोई फनी किस्म का कैरेक्टर कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फनी एक्टर्स को सलाम है हमारा। हाँ जितने भी हैं वो परेश रावल जो है वो मेरे फेवरेट हैं। अक्षय कुमार भी है वैसे। हाँ अक्षय कुमार। तो होपफुली आपको इस वीडियो पर ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के हमारे रिएक्शन देखना चाहते हैं किसी मूवी पर हमारा किसी मूवी सीन पर हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं कोशिश करिएगा कॉमेडी सीन्स हो तो वी वुड लव इट और फिर जो है वो हमें ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वी लव कॉमेडी आई थिंक एग्जैक्टली। तो अगर कोई कॉमेडी सीन है तो हम ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर इस तरह के किसी सीन पर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट कर दें सब्सक्राइब कर दें गाइज लाइक कर दें शेयर कर दें एंड हमें बता सकते हैं आप अपनी रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें एंड व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। आई होप जितना हमने एंजॉय किया होगा उतना ही आपने भी किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह।